ओम नमत कुंज विहारणे, ओम नमत कुंज विहारणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरु नाम गुरुवे नमः। ऐसो रसिक भयो ना हुई हो भूमंडल आकाश, श्री स्वामी हरदास जी जैसो रसिक या भूमंडल पे कोई दूसरो ना है भयो और ना ही आगे होवे गो। श्री बांके बिहारी जी महाराज के दर्शन तो आपने कर ही होंगे, ये जन जन के परमाराध्य सबकी मनोकामना पूरी करवे वारे, इनके सब काम बड़े अनूठे हुए हैं। साल में एक दिन मंगला आरती हुए तो एक ही दिन मोर मुकुट धारण कर अपने अधरन सो बंसी लगावे हैं, एक ही दिन चरण दर्शन हुए तो एक ही दिन स्वर्ण हिंडोलों में विराजमान है के भक्तन को दर्शन देवे हैं। उनको नजर न लग जाए या ते उनको पर्दा बेर बेर लगायो जाए और दर्शन के लिए खोलो जाए। ऐसे ब्रज के अनोखे ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज की सेवा हु अनोखी हुए करे। आपने स्वामी श्री हरदास जी महाराज को नाम तो सुनो ही हुए हो, तानसेन बैजू बावरा जैसे संगीत के प्रोधाऊ उनके चरणन में बैठ के संगीत सीखो को सौभाग्य प्राप्त करते रहे हैं। संगीतज्ञ तानसेन सो स्वामी जी महाराज के संगीत की प्रशंसा सुन के अकबर बादशाह उनके दर्शन करवे और संगीत सुनवे भेष बदल के निधवन राज में आयो हो। थोड़ी सी जानकारी इन स्वामी जी महाराज के बारे में आपको बताए दें, है सके आपने श्री गर्गाचार्य जी को नाम सुनो है हुए हो। गर्गाचार्य जी सारस्वत ब्राह्मण है और यादवन के कुल गुरु है। श्री कृष्ण और बलराम को जात कर्म उपनयन आदि सभी संस्कार इन्होंने ही संपन्न कराई है। इन्हीं गर्गाचार्य जी के वंशजन की एक शाखा बरसों हजारों साल पहले उत्तर भारत विशेषकर पंजाब प्रांत में श्री कृष्ण भक्ति को प्रचार कर वेगू गई। गर्गाचार्य जी के वंश परंपरा में श्री कृष्ण के अनन्य भक्त श्रीमद भागवत पुराण के प्रवक्ता श्री राधा माधव के उपासक और भक्ति तत्व के उपदेशक रहे हैं। मुल्तान के उच्च ग्राम को जो अब पाकिस्तान में है इनने अपनो केंद्र बनायो। आगे चल के सैकड़ों पीढ़ियन के बाद यही वंश में स्वामी श्री आसुधरी जी महाराज को आविर्भाव भयो। स्वामी श्री हरदास जी महाराज इन्हीं के आत्मज हते। स्वामी हरदास जी को जन्म सो पहले ही स्वामी जी आसुधरी जी ने अपने उपास्य श्री राधा माधव की प्रेरणा सो अपनी पत्नी गंगा देवी के संग अनेक तीर्थन को भ्रमण व दर्शन करते हुए अलीगढ़ जनपद की कोल तहसील में ब्रज की कोर पे आए के एक गांव में ठहरे और फिर वहीं बस के श्री राधा माधव की पूजा अर्चना करवे लगे एवं भजन कीर्तन और प्रवचन भी करवे लगे। यही ग्राम में गंगा देवी ने क्रमशः तीन पुत्रों को जन्म दियो, श्री हरदास जी, श्री जगन्नाथ जी एवं श्री गोविंद जी। तीनों भैया बड़े ही संस्कारी हते, किंतु उनमें श्री स्वामी हरदास जी को व्यक्तित्व बड़ो ही विलक्षण हो। वे एकांत प्रिय है और अनासक्त भाव सो भजन में लीन रहवे में ही उन्हें बड़ो सुख मिलतो हो। उनको कंठ बड़ो ही मधुर हो, जब वे भजन गाते तो कोई राग नहीं छेड़ते तो इनके मनोमुग्धकारी राग को सुन के सब आनंद रस में निमग्न रह जाते। धीरे धीरे आपको यश आसपास के गामन में फैलवे लगो और आपको गांव आपके नाम से प्रसिद्ध है गयो, जो आज हूँ अलीगढ़ जनपद में हरदासपुर के नाम से जानो जावे है। स्वामी हरदास जी की आसक्ति तो अपने श्यामा कुंज बिहारी में ही हती, उनकी या मिथ्यावादी संसार में कैसे मन लगतो। एक दिन अवसर पाए के उन्होंने अपने पिता सो वृंदावन जाएवे की इच्छा प्रकट करी और बोले, वो ब्रज वृंदावन बुलाए रहे हो। नुकुंज बिहारी जुगल किशोर को प्रेमानंद मेरे प्राणन को आकर्षित कर रहे हो। मैं संसार के कटीले बंधन से मुक्त हो के प्रेम पास में बंधवे को जाए रहे हूँ, जिनके मधुर वेणु पे कोटि कोटि ब्रह्मांड आनंद मृत रस में डूब के निरंतर थिरको करे, वो को मेरे गंतव्य पथ पे जावे की अनुमति दे के आप अनुग्रहित करो। हरदास जी की बात को सुन के स्वामी आसुरी जी को हृदय आनंद सो भर गयो। उन्होंने आगे बढ़ के हरदास जी को छाती सो लगा लियो और सहसी वृंदावन को जावे की स्वीकृति प्रदान कर गई। उनने अपने माता पिता के चरण धूलि को मस्तक सो लगाए के हरदास जी वृंदावन की ओर चले दिए।
स्वामी जी की के सबसे छोटे भैया गोविंद देव जी के पुत्र विठल विपुल जी उनके पीछे पीछे चलने लगे। स्वामी जी ने बाकू बहुत समझाया, बोले हरदासी जी की उपासना जो सिंघन की खीर। देख बेटा मेरा रास्ता बड़ा ही कठिन है, तू जा तू लौट जा, पर वाने नैकू नाय मानी। और स्वामी जी महाराज के संग पीछे पीछे वृंदावन को चल दिया। बात समय स्वामी जी महाराज की लगभग 25 वर्ष की अवस्था रही होगी। सन 1560 में यमुना को पार करके बाकी किनारे पे ही वे साधना रत है गए, जहाँ निधवन राज अवस्थित है। स्वामी जी के वृंदावन पहुँचते ही वृंदावन का दिव्य स्वरूप प्रकट है। वो यमुना जी के उज्जवल नीलम जल में रंग बिरंगे कमल खिलवे लगे। कोकिल केकी कीर चकोर आदि व्यंग वृंद आनंद में झूमते हुए अर्धस्य गीत संगीत सृष्टि करवे लगे। ऐसो मधुरम मनोहर वातावरण में स्वामी हरदास जी जब तानपुरा लेके अपने संगीत की अलौकिक स्वर लहरियों को बिखेरते तो संपूर्ण वृंदावन थरकवे लगतो। और कुंजन के भीतर सो आयवे बारी नूपुरन की रुनझुन विठल पुपुल जी के किशोर हृदय को कौतूहल सो भर देती। वे सोचवे लगे कि तानपुरा की झनकार तो है नहीं, फिर यह अतिशय कोमल नूपुर ध्वनि की प्रभाव को उद्गमन कहाँ से है रो। वे अपनी जिज्ञासा भरी अखियन को अपलक भाव सो श्री स्वामी जी के मुखारविंद पे टिकाए देते, समझवे की कोशिश करते कि, परंतु स्वामी जी के नेत्रन के भाव भीगने के आकर्षण में डूब के रह जाते। एक दो बार उनने स्वामी जी सो या विषय में अपनी जिज्ञासा प्रकट करी, पर उन्हें यही उत्तर मिलो कि समय आए वे पे सब समझ जाओगे। पर वे इतना जरूर समझ गए कि स्वामी जी यह सृष्टि की वस्तु नहीं है, कोई अलौकिक विभूति है। स्वामी श्री आसुदर जी हरि के प्रति अपनी अवचल अनन्य भक्ति के वलसों संभवतः पहले ही जान गए कि यह परिवार को कौन सा सदस्य कौन से उद्देश्य को जन्मो है। उन्होंने जगन्नाथ जी को वृंदावन भेज दियो। नौका में श्री यमुना जी को पार करके जैसे ही जगन्नाथ जी वृंदावन की भूमि में पैर रखो तो उन्हें ऐसा लगो कि यह पवित्र वंशों वे पूर्व में परिचित हैं। जब सो स्वामी हरदास जी वृंदावन आए हैं तब सो कितनी बार उनने सपन में या वन के दर्शन किए हैं। और जैसे ही भी थोड़े आगे बढ़े तो एक ललित तलाम निकुंज के द्वार पर बैठकर तानपुरा बजाते हुए श्री स्वामी हरदास जी महाराज उन्हें दिखाई दिए। पास में ही विठल विपुल जी हु ध्यान मग्न बैठे मिले। दोनों के शरीर पर यमुना जी की रज पुती वही, दोनों ही काहू अलक्षण दृश्य के आकर्षण में ऐसे खोए भये कि उन्हें काहू के आयवे जावे को नैकू भान ना हो। जगन्नाथ जी उनके पास आए के बैठ गए और संगीत को आनंद लेवे लगे। बात समय वृंदावन में ना कोई भवन हो ना सड़क ही बनी, बड़े बड़े मंदिर देवालयों का निर्माण वो नाय भय हो, समझो वृंदावन एक गहन वन के रूप में ही हो। स्वामी जी को के या आगमन सो निधवन की प्रच्छन्न बन श्री कलित कमिनी शोभा समग्र भाव से अभिव्यक्त है उठी थी। या जन कोलाहल विहीन प्रदेश में थिरक तो वह स्वामी जी को संगीत कौन के ताई समर्पित हो, यह प्रश्न श्री विठल विपुल जी के भीतर स्पंदन करतो रहतो। यही प्रश्न के संग एक प्रश्न और जुड़ गयो कि स्वामी जी या निकुंज के द्वार पर बैठ के संगीत की रागनी छोड़े हैं या निकुंज में कौन विद्यमान है जहाँ सो वे एकांत में बात करते रहें। विठल विपुल जी ने अनेक बार वह निकुंज के भीतर झांक के देखो, उनको अंधेरे के अलावा कछु दिखाई नहीं दियो। या संबंध में उनने जगन्नाथ जी सो चर्चा करी, परंतु उनने कह दियो कि स्वामी जी की लीला स्वामी ही जाने, देखना है रे यहाँ का तो सब रंग ढंग निरालो है, खाए पीवे को कोई होश ना रे, भूख प्यास ना लगे, यहाँ तो भूख प्यास की अनुभूति ही ना होवे, वो तो लगे या विशिष्ट निकुंज में कोई रहस्य छुपो हो जो स्वामी जी की कृपासों ही ज्ञान गोचर है सके। वही समय संगीत के स्वरण के आरोह के संग ही सबने अपने अंदर एक अद्भुत प्रकाश का अनुभव कियो। तभी वह नूतन कुंज में नील गौर प्रकाश की कोमल किरण फैलने लगी। सब एक टक देखवे लगे, कुछ अद्भुत घटित है वे बारो है। प्रकाश पुंज भरतो गयो, बड़ो रोमांचक बड़ो आनंद में
तब सबके बीच परस्पर हाथ से हाथ पकड़ के मुस्कुराते हुए श्यामा कुंज बिहारी जी ने अपने दर्शन दिए। स्वामी जी उन्हें देखकर गावे लगे, मायरी सहज जोरी प्रकट हुई, जो रंग की गौरी श्याम घन दामनी जैसे, प्रथमोति अबहु है आगे रही है न टरिए तैसे, अंग अंग की उजियारी सुधराई चतुराई सुंदरता ऐसे, सिहरदास के श्यामी श्यामा कुंज बिहारी सम वैसे वैसे। प्रिया प्रीतम जू मंद मंद मुस्कराने लगे और स्वामी जी की एक गोद में लाल जी और एक गोद में प्रिया जी प्रकट है गए। राग जैसे ही समाप्त भयो, प्रिया जी बोली, ललिते स्वामी जी सबका कहा गए, भूल गई कि सूरी जी आपका मंत्र मुक्तकारी स्वरूप ऐसो है। बिहार जी कहवे लगे, ललिता जू आपकी इच्छा पूरी है गई है, अब यहाँ हम यही रूप में अवस्थित रहेंगे। स्वामी जी को कुछ विह्वल होने लगो, बोले, प्राणलहाद निकुंज ते भार आपकी सेवा कैसे होगी? विष्णु शिव इंद्र की सेवा की तो वैदिक विधान है। बिहार जी मुस्कुराते हुए बोले, सेवा तो लाड़ प्यार की होगी। स्वामी जी तुरंत बोल पड़े, समझ गयो प्रेम सिंधु मराल, परंतु मेरी एक प्रार्थना और है। अभी मेरा ध्यान संसार के व्यवहारिकता की ओर चलो गए हो। आप दोनों की ऐसी अद्भुत क्रांति में सुंदर छवि है, कहा या अद्भुत रूप को सौंदर्य को जगत की आंखें झेल पाएंगी? आप दोनों एक ही रूप हो जाओ, जैसे घन दामनी हो गए है। वृंदावन को नित्य नवल निकुंज में नित्य रमण करवे वारे श्यामा कुंज बिहारी की जुगल छवि स्वामी जी की प्रार्थना सो बांकी बिहारी जी के रूप में प्रतीक्षित है गई। संत भक्त रसिकजन को हृदय आनंद सो नृत्य करवे लगो। श्री बांके बिहारी लाल की जय का स्वर बारंबार आवृत है के निधवन की सीमा को लांग के दिग्दिगंत में गूंजवे लगो। बिहार जी महाराज के दर्शन के ताई दूर पास के भक्तजन आएवे लगे। स्वामी जी की संगीत आश्रित उपासना को परम मंगल परिणाम श्री बांके बिहार जी महाराज हैं। स्वामी हरदास जी केवल एक ही अभिलाषा रहती है थी कि बिहार जी की सेवा भाव में उत्तम पदार्थ का उपयोग हो। सच्चे संत भक्त रसिक के मन में भी ये उनकी कृपा से ऐसी प्रेरणा होती रहती है। श्री बांके बिहार जी महाराज के स्वरूप को स्थूल रूप में अवलोकन एवं दर्शन करने थे तो वे भगवान श्री कृष्ण को स्वरूप ही हैं। स्वामी जी को भाव दृष्टि में नित्य विहार रत प्रिया प्रीतम की लीला वृंदावन के कण कण में व्याप्त है। तभी तो अत्यंत मूलवान इत्र भी वृंदावन की रज में उड़ेल लेते स्वामी जी ने प्रिया प्रीतम को होली को रसास्वादन कराए दियो। स्वामी जी महाराज के यह अनुपम अवदान सो समस्त संसार के जन जन कृतज्ञ हैं। स्वामी जी महाराज ने संगीत के माध्यम से जहाँ एक और आध्यात्मिक जगत को साधना को मार्गदर्शन करायो, वहीं रहनी करनी के संग सामाजिक परिवेश को विशेष योगदान दियो है। उनके संगीत की विधा ध्रुपद धमार सो और राग रागनी के गायन के माध्यम सो जीवन को सरल सरल और मधुर बनायो, वहीं प्रगति में माधुर्य को वातावरण बनावे में भी महत्वपूर्ण कार्य कियो है। वह समय ध्रुपद धमार जैसी संगीत की हृदय स्पर्शी विद्या को कोई जानकार ना हो। स्वामी जी के ने या विद्या सो प्रगति के पल्लवित पुष्पित और सुगंधित बनावे को ऋतुओं में मादकता और मधुरता कुसुमता भर दई, जाको प्रभाव आज भी हमें लता पतन पर दिखाई देवे करे है। स्वामी जी के माधुर्य पूर्ण समर्पित संगीत सो ऋतु वहीं के अनुसार प्रकट हो करती है। श्रावण के मास में जब वे अपने लाडले को राग रानी सो रिजाते तो मेघू प्रकट है के संगीत को सभी ऋतु समय समय पर स्वामी जी के गायन सो प्रकट होती और वातावरण मनमोहक बना देती। इतने ही नहीं, उनके संगीत में ऐसा आकर्षण हो कि जंगल में हिंसक पशु अपनी हिंसक प्रवृत्ति को छोड़ के सभी मंत्र मुग्ध वहीं ठगे के ठगे खड़े रह जाते और स्वामी जी के संगीत में डूबे भाव विभोर होकर नृत्य करने लगते। को संगीत को ऐसा प्रभाव हो कि श्री वन क्षेत्र में कोई हिंसक वारदात कभी ना होती। स्वामी जी महाराज को कि सभी सेवाएं अपने लाडले ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के निमित्त हेतु ही रही है, पर वाको प्रभाव ऐसा हो जातो सभी प्रभावित होते। स्वामी जी के महाराज ने अपने गायन में अपने आराध्य को ही सब कुछ मानो है।
परंतु स्वामी जी के ये आराध्य चराचर के स्वामी, प्रगति के नियंता, फिर स्वामी जी के संगीत को प्रभाव संसार पर कैसे ना पड़तो। स्वामी जी महाराज ने हमें ब्रज रज के कण कण का महत्व बतायो। उनने ब्रज के वास्तविक स्वरूप को अपने पदंसों दर्शन करायो, प्रगति प्रेम को अद्भुत संदेश दियो, तो भेदभाव सो रहित सद्भावना सो रहवे एवं भेदभाव रहित आराधना करवे को सुगम मार्ग दियो, तथा जातिवाद सो ऊपर उठ के अकबर बादशाह पे हु कृपा की करी तथा उन्हें निज वृंदावन के दर्शन कराए। स्वामी जी महाराज ने जो या विश्व को दियो है, बाकी तुलना या समानता संभव ही ना है। उनके द्वारा दिए गए अद्भुत अनुपम शास्त्रीय संगीत के माध्यम से जनमानस को जो अपने जीवन को सार्थक करवे को जो बहुयामी मार्गदर्शन मिलो है, भाग्य ताई हम उनके जन्म जन्म तक ऋणी रहेंगे। आपको यहाँ ये भी मैं आपको बता दूं कि स्वामी हरदास जी महाराज की दो परंपरा थी, एक श्रीमद भागवत, एक संगीत। उनके पिता श्री श्री आसुरी जी महाराज श्रीमद भागवत के प्रकांड विद्वान थे एवं वह स्वयं संगीत के श्रोमणि थे। बड़े बड़े संगीत उनके यहाँ चरणन में बैठ के संगीत की शिक्षा लियो करते। वही वंश परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज उनके वंश परंपरा में आचार्य गोस्वामी श्री मृदुल कृष्ण जी महाराज एवं श्री गौरव कृष्ण जी महाराज संगीत एवं श्रीमद् भागवत के माध्यम से देश विदेश में श्रीमद् भागवत का ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं बड़ी अपनी प्रसन्नता व्यक्त करूं कि आज के या पावन अवसर पर जो मैं ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज की सेवाएं एवं स्वामी श्री हरदास जी के वंश में या शरीर को जन्म मिलो, या समय मैं उनके स्वामी जी के चंदन में अपने भाव प्रकट कर रहा हूँ। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ और सब लोगों से ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के चंदन में प्रार्थना करूँ कि सब पे कृपा अपनी बनाए रखें। बोल श्री बांके बिहारी जी महाराज की जय, स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे।